आराम से मिलेंगे। Can you give me mic for talking? Yes. हज़रत सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम सबकी खिदमत में पेश करता हूँ और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू फर्स्ट हरजीत सिंह साहब कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों के खिदमत का मौका दिया है और इसके साथ जिन भी लोगों ने और सर्वकाल अकेडमी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल द मेंबर्स का थैंक यू बोलता हूँ और इसके साथ जिन लोगों ने बहुत मोहब्बत और प्यार और जज्बे से मुझे बार बार फ़ोन करके बातें करते रहे उसमें मेरा शागिर्द है जहाँ कैलगरी में ज्योति सिंह और हरप्रीत सिंह वो चाहे मेरे बच्चे हैं कुछ भी हैं मगर उनका भी शुक्रिया और ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू जो लोग आउट ऑफ टाउन से आए हैं कुछ लोग टोरंटो से एडमिंटन से और वैंकूवर से गेस्ट आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे दोस्त भाई मौनी सिंह साहब वो कैलिफोर्निया से इस कॉन्सर्ट के लिए आए उनका भी खास तौर पर शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया कि जिस मोहब्बत और प्यार से आप बैठे हैं मैं सुन रहा था कि आर्टिस्ट की पज़ीराई आप लोगों को करना आती है जिससे आर्टिस्ट का रूह लगता है। मैं बहुत साल पहले शहनशाह गज़ल जलाल मेहदी सिंह साहब के साथ यहाँ कैलगरी में हाजिर हुआ था और वहाँ ही मुझे पता चल गया था कि कैलगरी में म्यूज़िक लवर है और वो जानते हैं कि म्यूज़िक कैसे सुनना चाहिए और मुझे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे और आप सब लोगों का शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ ग्रेट मास्टर सरंगी नवाज जनाब पंडित रमेश मिश्रा जी तशरीफ़ फरमा है किसी इंट्रोडक्शन के किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं और इतने सुरीले आर्टिस्ट हैं इनका हाथ इतना सुरीला है मैं खुद इनका बहुत फैन हूँ और बिग एंड मैंने कभी भी उनको मधु किया बुलाया दावत दिया इन्होंने हमेशा अपना कीमती टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए और हमेशा मेरी हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई की मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ बिग एंड फॉर उसका पंडित रमेश मिश्रा जी। और जितने भी फनकारान आर्टिस्ट तशरीफ़ फरमा है म्यूज़िक लवर म्यूज़िक को करने वाले उनका भी शुक्रिया तो आपकी खिदमत में मैं इस वक्त
तीन ताजपिश करता हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारी फरमाइश आई कि जी हमें कहरवा भी सुनना है। मैंने कहा बाद में भाई, तो वो भी सुनाऊंगा। अच्छा आपने भी सुनना है, देखिए। जी मैं आप पेश करूँगा, तो आपकी खिदमत में तीन ताल पेश करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ आपका मेरी हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू सो मच। तो सब ठीक है। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम चाहूंगा। आई लाइक टू डू, आई नीड वॉल्यूम प्लीज लिटिल बिट। आई हैव रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज। Yes. क्या बात, ये कुछ माशाल्लाह सब सुरीले लोग बैठे, कुछ स्पिरिचुअल हस्तियाँ भी जिसे फरमाया गया, उनका भी मैं तहे दिल से मेरी शुक्रगुजार हूँ। वाह क्या बात।
बंद हो गया। The monitor, please. Sound is coming in. Nice monitor. Coming.
ऑडियंस, जब ऐसी ऑडियंस मिलेगी तो आर्टिस्ट का क्योरी रूल लगेगा. थैंक यू वेरी मच. Excuse me. Can you say that? Can you volume a little bit, please? Keep it up. Volume, just keep it up. And the tabla? Yes. Thank you.
नई पेशकार और बहुत लाजिम सुई है, थोड़ी सी ट्रिकी है, क्रिकेट की दिहाई ऐसे बैठे हैं, समझते हैं कि जब क्रिकेट की रेपिटेशन होती है तो मुश्किल पड़ती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है रमेश का, ये इन्हीं का काम है, मैं इनके साथ ऐसा रिस्क लेता हूँ। क्या बात है, क्या ही पेशे दिन पर फिर
क्या बात है सुरेश। Thank you.
चरित्र का जो साउंड है वो उसका जो हिस्सा होता है वह यहाँ उंगलियों का नहीं होता है, वो पंख का होता है यहाँ दिल्ली का। तो उसका जो साउंड है वो जैसे कबूतर उड़ता है फड़फड़ करके, उसका साउंड आना चाहिए, उंगलियों का नहीं आना चाहिए। उंगलियों का आएगा तो वो तिट तिट हो जाएगा, तिटकिट हो जाएगा। कायदे में मोहब्बत और प्यार भी जाता है, उसका बढ़ जाता है, उसको रफ तरीके से बजाना नीचे। गत पर्दे में जो होती है वो ताने होते हैं, उसको जोर से बजाना चाहता है, मगर गत में नाचकी रहती है तो
तो ये इसकी नाच की कोशिश कर रहा हूँ। दादी के ना दादी 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 के ना 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 जो नीचे बजाया जाए उसमें वही मारने नहीं होनी चाहिए अगर कितनी भी स्पीड हो। Thank you.
का काम है, बिग एंड फॉर ऑफिस। अब ये देख रहा है कि इसमें बहुत सारे बोल है, thank you.
da 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 da
चाहता कि अपना दिल निकाल कर रखते हैं। बहुत मोहब्बत से और प्यार से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। समझ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, मगर एंजॉय करें।
वादे के मुताबिक मैं 10 से 10 मिनट में मुझे कार्यवे की फरमाइश है, प्लीज बी सीटेड, ये स्वीडिश समझ लीजिए। और अतिशय आपकी खिदमत के लिए आया हूँ तो मैं दिल से मोहब्बत से, जैसे आप मोहब्बत से तशरीफ लाए हैं और इतना इज्जत और मान दिया है, इसी तरह मैं भी अपनी मोहब्बत का जो इजहार है मैं लफ्ज़ों से नहीं अपने फन से कर रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत एक दफ़ा फिर पंडित जी को एक दफ़ा क्लैप दीजिए। बिल्कुल जी हाँ, ये रचा हुआ अच्छा कानों में अच्छा लग रहा है। तानपुरा तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहरवे का आइटम पेश करता हूँ। एज यू नो वेयर आर वी गो टू ट्रैवल द वर्ल्ड देयर्स डिफरेंट लैंग्वेज बट म्यूजिक हैज ओनली वन लैंग्वेज। दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पर म्यूजिक की जुबान एक ही है, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि स्टाइल चेंज होता है। तो वो कैसे होता है, इट्स माई ओन क्रिएशन। ये आइटम आपकी हौसला अफजाइयों से, दुआओं से बहुत ही दुनिया में पॉपुलर हुआ, आपकी हौसला अफजाइयों से, आपकी दुआओं से। तो इसको देखना ये है कि हम ट्रैवल करेंगे विदाउट टिकट। यहाँ से हम कैलगरी से पंजाब से शुरू करेंगे ट्रैवल। पंजाब बैठा है यहाँ, बहुत खुशी हो रही है। तो हमारे पंजाब का कल्चर क्या है, हमारे फोर बीट्स जो कहरवा है उसको हम कैसे इन्जॉय करते हैं। वहाँ से हम पंजाब से सीधा फिर हम बल ट्रैवल करेंगे, वहाँ से हम ट्रैवल करेंगे मिडल ईस्ट जाएंगे। तो वही टेम्पो, वही रिदम, उनके रंग में, उनके स्टाइल से वो अपने दफ में कैसे बजाते हैं, मिडल ईस्ट वाले कैसे बजाते हैं, यूरोप वाले वेस्टर्न जब कहरवा जिसको हम डिस्को बोल देते हैं, वो भी फोर बीट्स कहरवा ही है, उनका सिर्फ स्टाइल चेंज होता है, वह कैसे है। और इस तरह से कैलगरी में आ जाएंगे तो कैलगरी का क्या स्टाइल है, और यहाँ से फिर हम सीधा विदाउट फ्लाइट, वैसे फ्लाई करके हम ख्यालों में, थिंकिंग में हम अफ्रीका में जाएंगे। तो अफ्रीका का क्या स्टाइल है तो वो बजा कर फिर मैं एंड में ये आइटम ख़त्म करूँगा, मगर पहले पहले मैं पंजाब का बजाऊँगा, उसके अंतर थोड़ी सी, क्योंकि आप सब समझदार लोग बैठे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू डू सम वेरिएशन बाई वेरिएशन एंड क्रिएशन। तो आप उसमें जाय करेंगे कि कहरवे की कैसी कैसी चालें हो सकती हैं। चीज़ तो वही है, ये वही है, जैसे एक आर्टिस्ट कलर भरता है, पेंटिंग करता है, ये आर्ट भी वैसे ही है कि उसमें कलर कैसे भरना है। आपकी खिदमत पेश करता हूँ जी। हुक्म कीजिए। आदाब, हमारे बुजुर्ग, हमारे अंकल जी यहाँ तशरीफ माए, हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं, ये हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। हुक्म कीजिए। हुक्म करें जी आप। अब मैं बाहर चला गया था, एक तो आपकी ट्रेन की स्पेशलिटी है। ओहो हो हो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, वो सुनाना है। अच्छा जी। और सूर पाक आपके सुनाना, कहीं क्लासिकल वाले ना नाराज हो जाए ना कि पता नहीं किस तरफ जा रही है। क्लासिकल तो मैंने बहुत बुझा दिया, मगर मैं दुनिया को और मास्टर्स का भी तबला प्लेयर हूँ। मैं लोगों को भी प्यार, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको मोहब्बत करता हूँ, मैं हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ। तो ठीक है, मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल जी, मैं आपका हुक्म। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एक मेरा बहुत पॉपुलर आइटम था और बहुत देर लोग सुनते रहे कि ट्रेन कैसे चलती है, तो वो फिर मैं छोड़ गया कि लोग समझेंगे कि पता नहीं ये बंदा ट्रेन ही बजाता है। मुझे काम का इंजन का कंडक्टर समझना शुरू कर देंगे। तो पेश करता हूँ आपको हुक्म से। इन्होंने एक आइटम और, मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पेश करता हूँ। तो जी, थैंक यू, थैंक यू। तो कहरवा जो है हमारे पंजाब का, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। Thank you.
अब इसकी थोड़ी सी मैं आपके लिए वेरिएशन और क्रिएशन करता चला जाऊं कि चीज़ तो वही है, अब इसमें कुछ वैरायटी डालता जाऊंगा, चीज़ वही है। कंट्रीज का मैं स्टाइल सुनाता हूँ, बस चार पाँच मिनटों। तो कंट्रीज का स्टाइल जो है, पंजाब का तो आपने सुन लिया, अब मिडल ईस्ट पे चलते हैं। तो मिडल ईस्ट का स्टाइल जो है वो बैले डांस के साथ आपने देखा होगा, दफों का स्टाइल, तो वो क्या है, टेम्पो वही है। Thank you.
यूरोप में चलते हैं, यूरोप का स्टाइल वेस्टर्न फोर बीट्स क्या था वो कैसे बजाते हैं, टेम्पो वही है। कैलगरी का भी सुना था जब कैलगरी का स्टाइल फास्ट थोड़ी सी लैबर जाती है रहती फोर बीट्स कह रहा है अफ्रीकन स्टाइल पेश करता हूँ स्कॉट डोमा दो मिनट शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू स्टैंडिंग ऑप्शन का थैंक यू वेरी मच। हमारे बुजुर्गों की फरमाइश है दो मिनट ट्रेन सुना लें, यह पुराना आइटम शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना, मैं ज़रा शॉर्ट करके पिच करता हूँ कि ट्रेन कैसे चलती है। ओल्ड इंजन है, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं, ये बहुत पुरानी क्रिएशन है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाइश की है, हमें इनका हुक्म मानना है, इनका आशीर्वाद लेना है। तो कैसे वो ट्रेन चलती है, थैंक यू। तो ट्रेन जो ओल्ड इंजन है स्टीम इंजन वो कैसे चलता है, यू आर द जज। ट्रेन जब फास्ट होती है आहिस्ता आहिस्ता तो सिर्फ मैं इंजन का इफेक्ट दे रहा हूँ कि इंजन की स्पीड कैसे बढ़ती है। हमारी बहुत पुरानी क्रिएशन है, लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, फिर मैं छोड़ गया,
पर कभी कभी फरमाइश आती है तो फिर मैं सुनाना पड़ता है, पेश कर दूँ। इंजन कैसे फास्ट होता है और जो पिछले हम बोगियों में बैठे हैं वो क्या इफेक्ट है, वो अलग इफेक्ट है, डिफरेंट है, वो क्या है? तो ये मिल के कैसे बढ़ते, ट्रेन जब फास्ट होती है तो टनल से कैसे गुजरती है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज होती है जिसको बोलते कांटा बदल गई, और दरिया के ब्रिज से कैसे गुजरती है, थैंक यू वेरी मच, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खड़ी कैसे होती है। बस दो मिनट, इंजन चले। लोग पीछे ट्रेन में बैठे हुए क्या महसूस करते हैं जब लाइन के, जब ट्रेन के पहिए लाइन से टकराते हैं तो एक रिदम बनती है, वो क्या है पता नहीं। आप ट्रेन सुन के सोचेंगे कि शायद मैं ट्रेन में मतलब रेलवे में मुलाजिम रहा हूँ, बड़ी रिसर्च है। तो पिच करता हूँ, ये तो इंजन है, इंजन शोर में जा रहा है, बोगियाँ, चेंज होगी, एक झटका सा लगेगा, फिर स्पीड वही रहेगी, ब्रेक ना आए, कांटा बदल गया, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज। टनल आ रहा है, जरा ट्रेन फास्ट जा रही है इसलिए टनल आ रहा है। ट्रेन रुकने वाली, आप फिक्र ना करें, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं ना आप, अच्छा मैं मुझे डरा रहे हैं आप भाई, अच्छा शुक्रिया सजाद साहब, शुक्रिया। मैं कहा आप ऐसी जगह पर खड़े हैं ना, कभी कभी डर लग रहा है कि पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा, बंद करो यार, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल बताई नहीं है और आप माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए और म्यूज़िक सभी लोग, सब लोग मोहब्बत तरफ उन आप लोगों की मोहब्बत में बजाया जा रहा हूँ, वरना बजा के आदमी जल्दी से चला जाता है, वो जल्दी वाला काम नहीं। मैं तो दिल चाहता है कर सारी रात आपके साथ बैठूँ, ऐसी बात नहीं। कैलिगरी के लोग जो हैं वो मोहब्बत करने वाले हैं और इतने मोहब्बत से अजीत भाई ने सब लोगों ने मुझे बुलाया है, तो मैं पूरी खिदमत करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बस दो मिनट और, अब स्पीड में ट्रेन जा रही है, मैं इंजन पर जा रहा हूँ, ये देखने की बात है, इंजन पर जा रहा हूँ कि इंजन की इस वक्त क्या पोजीशन है, बहुत तेज़ जा रही है ट्रेन, इंजन का इस वक्त क्या फंक्शन है, क्या इफेक्ट है उसका, और लय उसकी भी वही है, तो मैं इंजन पर जाऊँगा, आप देखिए कि इंजन क्या कर रहा है, और फिर वापस मैं बोगियों पर आ जाऊँगा, अंदर आकर बैठ जाऊँगा। इंजन Thank you.
आखिरी अफेक्ट रह गया दरिया के ब्रिज का, तो वहाँ पर शोर ज़्यादा मचता है, गंभीर होता है, मतलब होता है टेम्पो में, क्योंकि नीचे तो ज़मीन नहीं है ना, नीचे तो दरिया बह रहा है, तो वहाँ बड़ा गंभीर ढम ढम करके होता है, वो लैब में कैसे होता है उसका इफेक्ट देखिए। फिर उसके बाद ट्रेन को हम खड़े कर देंगे, दरिया का ब्रिज आया, कैसे, क्योंकि ये कार नहीं है, ये गाड़ी नहीं है जिसको हम जल्दी से ब्रेक मारते हैं, ये कंट्रोल किया जाता है, उसको कंट्रोल उसकी ट्रेन में ऐसा कंट्रोल करते हैं कि 2-3 माइल से किलोमीटर से कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आसानी से खड़ी हो जाए, उसको जल्दी से ब्रेक नहीं मारते। उसकी स्पीड में कमी कैसे आती है, स्पीड कम कैसे होती है, पता ना चले कि कम हो रही है, एकदम कम नहीं होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, और वहाँ स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आती है और जब पहिए लैंड से टकराती है तो एक चीख निकलती है ब्रेक लगने की, वो भी मैं लगाता हूँ आप सब, तो आपकी खिदमत में ये पिश है। अब प्लेटफॉर्म आ रहा है, ड्राइवर को पता है कि मैं अभी ट्रेन खड़ी करनी है, हिम्मत करता रहा तो आप सब ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम सुनने वालों को, जिस मोहब्बत के साथ प्यार के साथ आपने तारिक खान साहब का तो प्यार है ही, लेकिन उससे बढ़ के आप लोगों का प्यार, आप तो शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम हमारा तकरीबन खत्म हो रहा है, करीब ठीक है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि अभी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, अगर आप अभी चले जाएंगे तो फिर तारिक साहब के साथ भी ज्यादती होगी हमारे साथ, तो इसलिए तशरीफ रखें आप। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे दोस्त हैं जवाब राजा साहब, कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बात बताने क्या कहना चाहते हैं आज, गुजारिश करूंगा तशरीफ लाइए, आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब जवाब राजा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि आज की शाम में जो एमसी थे सजाद मिर्जा साहब, ये जाने बहुत खुश हो, इनको भी सराइए, इनको भी प्लीज़ ये हमें गए मैं ज़्यादा से लूँगा, सिर्फ 60 सेकेंड्स लेते हुए मैं तो छोटी सी बात करना चाहता हूँ खान साहब की प्रेजेंस में, और रशीद जी बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए मुझे। मैं कहना चाहता हूँ कि अमीर खुसरू के वक्त से लेके जब से तबला इजाद हुआ तब से लेके अब तक और जब तक आगे बात जाए, जब तबले की तारीख लिखी जाने लगेगी तो कुछ लोगों के नाम उसमें बड़े ख़ास तौर पर लिखे जाएंगे, बड़े जलीय रूप में, बड़े बड़े सुनहरे पानियों से, और ये लिखा जाएगा कि वैसे लोग थे कि जो तबले में अपनी जान या अपना पानी नहीं डालते थे बल्कि अपनी रूह का थोड़ा सा हिस्सा भी फूंक देते थे, और
कारी साहब का नाम उनमें सबसे मोटे अरबी में लिखा जाएगा। पांच घराने जो तबला की गायकी के मशहूर हैं, हजारा का, बनारस है, दिल्ली और बहुत से हैं, और कादर बख्श किया, कादर बख्श साहब को उसके बाद भी हैं, शौकत हुसैन साहब और राज हमारे पास जो जूल ऑफ पाकिस्तान कारी साहब मौजूद हैं, इनका नाम उसमें बहुत मोटे अरबों में लिखा होगा। साथ ही लिखा होगा कि कारी खान तबले को सिर्फ बजाता नहीं था, इसने तबले को पहन लिया, इसने तबले को अपने हाथों पे परो लिया। और जब तबला बजता है तो उसकी तारी खान की रूह बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है तारी का प्यार तबले में। और तबला जब गूंजता है तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है कुछ ऐसी शक्लें बनाती है जो सबके दिलों पे घर कर जाती है। तबला कहता है कि मेरे ऊपर अपने उंगलियों के स्ट्रोक लगाने वाले, तेरा शुक्रिया कि तुमने मुझे चुना। हम सब पाकिस्तानी किसी से के बिहाफ पे भी, और जहाँ जितने मेरे दोस्त पाकिस्तानी बैठे हैं उनके बिहाफ पे, कैलगेरियंस के, पाकिस्तानी कैलगेरियंस के बिहाफ पे, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें आप पे फख्र है, वी आर प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।